बास्केट है ना बेशक उसको उतार दें, ठीक है ना, फिर ये टू पीस बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैर से होंगे, शुक्र हम भी कैसे हैं, और हमारी दुआएं हमारे अपने जहां भी रहें खुशी और बाद में सब मिलकर आते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। अभी हम काम जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, काफ़ी देर से काफ़ी थकावट थी हमें, बस वो ना कुछ तबीयत सही नहीं थी तो इस वजह से ना काम आज मैं बहुत लेट शुरू कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से काम करूँ, फिर कुछ हमने ना कपड़े भी लेने ऐसे ना ईद के लिए ना कपड़े लेने हैं हम के लिए, और वो जो अम्मा आती है ना हमारे घर में, अम्मा के लिए खास तौर पे हम जा रहे हैं क्योंकि उनका सूट लेना था, पहले भी हमने उनको दिया था, फिर वो कहती है कि मैं ये सूट जो है ना अपनी भांजी को दे दूंगी, तो वो जो आप और लेके दोगे ना वो मैं सिलवाऊंगी। तो मैंने उसके साथ किया है झगड़ा, मैंने कहा है अगर ये सिलवा के पहन के आओगी फिर मैं देखूंगी, फिर मैं तुम्हें दूसरा सूट लेके दूंगी। हाँ, आप देखे ना एक सूट पहन के रखती है, तो मैं जब इसको वैसे भी देती हूँ वैसे मैं देती रहती हूँ, बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये ना मुझे कहते मैं कपड़े लूंगी फिर मैं देती हूँ, मैंने कहा चले आप लेके पहने, फिर ये पहनती नहीं है फिर दूसरों को दे देती है, इसका आइंदा पता है क्या करेंगे, आइंदा इसको पैसे नहीं देंगे कपड़े, आइंदा इसको चीज ही लेके दिया करेंगे, ठीक है, दवाई के पैसे देते हैं वो दवाई नहीं लेती, वो फिर उधर अपने रिश्तेदारों को दे देती है, जब ये बीमार पड़ती है यही रिश्तेदार इसके साथ ही नहीं ठहरते, ये तो पड़ी रहती है इसको दवाई भी नहीं लेके देते। मुझे कह रही थी कि मैं ना ये कल वो इसकी आई थी भांजी आई थी, कौन कहती वो सूट में, क्योंकि सूट तो हमने बांध दिया था हमें कि वो माशाल्लाह अच्छी बनी है खुद पहन सकती है लेके, तो फिर कहती है अच्छा तुम जाओ वो जो मेरा सूट इन्होंने दिया था ना वो मैं तुम्हें आकर देती हूँ, मैंने कहा अच्छा दो तुम फिर मैं तुम्हें लेके दूंगी, मैंने कहा ये पहन जाओगी तो आज कहती सिलने दिया हुआ पहन। देखिये ना हम सोचते हैं हम ये चाहते हैं कि ये अच्छी अच्छी लगे, जो अम्मा आती है ना हमारे घर में वो तो ये अपने रिश्तेदारों का पेट भरने में लगी हुई है, रिश्तेदार तो इसको नहीं देते कुछ ना रिश्तेदारों का, दूसरी बात ये है नहीं करार हम हमारे घर आती है ना फिर देखने वाले यही कहेंगे कि पता नहीं ये इसको कुछ नहीं देते, हाँ एक ही सूट पहना होता है इन्होंने, हाँ अब हमने इसको अंकल खालिद की तरफ से एक सूट दिया था, अब वो उसी सूट का कह रही थी कि मैं वो अपनी भांजी को दे दूंगी, तो फिर एक और सूट हमने लेके देना है इसको, वो है भाई शहजाद हैं उनकी तरफ से लेके देना है, और उससे पहले भी हमने इसको दिया था 2000, हमने कहा था सूट आपने लेना है, उसने सूट भी नहीं लिया, हाँ सूट भी नहीं लिया उसने, चले कोई बात नहीं हम तो देखे ना उसको देते हैं, वो सूट ले जो कुछ ले फिर उसकी मर्जी है, चाहे रिश्तेदारों को खिलाए, फिर जब बुरा वक्त आता है इसके ऊपर फिर रिश्तेदार इसके ना कुछ साथ भी नहीं ठहरते, चले अल्लाह पाक इसको भी हिदायत दे, इसके रिश्तेदारों को भी हिदायत दे, तो हम तो अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं, तो आगे इसकी मदद जो भी करे। अरहम के खरबूजे जो है आप देखें माशाल्लाह कितना प्यारे प्यारे हो गए हैं, ये मुझे कह रहा था कि क्या ये इस तरह हो जाएंगे जिस तरह ये शतूत है हमारा, मैंने कहा नहीं इसकी जो है ना बेल होती है नीचे, इसकी नीचे बेल होगी बढ़ जाएगी और फिर इसके ऊपर खरबूजे लगेंगे, मैंने कहा ऐसे नहीं होगी, तो हम कोशिश करेंगे इस बेलों को ना इसके ऊपर चढ़ा दें जो शतूत है ना हमारा इसके ऊपर, तो ये देखें यहाँ पे भी निकाल रहा है चूँच अपनी, तो ये हम इसकी चूँच तोड़ देंगे, क्योंकि ये अगर चूँच नहीं तोड़ेंगे ना फिर ये नीचे बढ़ना शुरू कर देगा ऊपर नहीं जाएगा। ये वाला पौधा भी हमारा माशाल्लाह काफ़ी ग्रो हो गया है, ग्रीन हो गया, पहले सारा का सारा गिर गया था, इसके पत्ते गिर गए थे, सारा जो है लकड़ी बची हुई थी बकाया, लेकिन माशाल्लाह फिर ग्रो हो गया, और ये भी माशाल्लाह अच्छा भला ग्रो हो गया ये पौधा, और ये भी हरा भरा हो गया और इसको फूल भी लगे हुए हैं। प्यारी सी चिड़िया बैठी हुई है यहाँ दीवार के ऊपर, उड़ गई उड़ गई उड़ गई, आप आए हुए ना उड़ गई यार, हम किधर गई अंदर ना, इसने ना अपना घर बनाया हुआ है चिड़िया ने, देखा है आपने इसका घर, हाँ वो रोशनदान के ऊपर बच्चे देगी तो हाँ यहाँ देखना पहले अंडे देगी फिर बच्चे देगी, ये चेक करें जी ये एक मुंह में इसने ना अपना गंद उठाया हुआ है अपने घर के लिए, घर बनाने के लिए अंदर वाली साइड पे ना इन्होंने घर बनाया हुआ है चिड़ियों ने, ये देखें यहाँ पे अपना घर बना रही है, कल यहाँ पे ये वाली चारपाई नीचे पड़ी थी, सारा ऊपर से गंद जो है ना नीचे इस चारपाई के ऊपर आया हुआ था, और अभी भी यहाँ पे आया हुआ है, ये चेक करें ये देखें ये चिड़िया ही लेके आई है ऊपर से ना अपने घर बनाने के लिए, यहाँ पे भी कुछ पड़ा हुआ है, बाहर से लेके आती हैं वो सोती हैं यहाँ पे रखेंगे कि पड़ा रहेगा, फिर यहाँ से नीचे गिर जाता है इधर आ जाता है
तो लेंगी ना बना, घोंसला। हाँ बना लेंगी घोंसला यहाँ पे जो है ना, बच्चे अंडे देगी, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, फिर बच्चे भी दिखाएंगे इनके। तो क्योंकि ये जो चिड़िया है ना, ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी होती हैं। आज से 5-10 साल पहले ना शदीद चिड़िया होती थी ये, अब फिर भी ये कम हो चुकी है ना। ये तो ना अक्सर गर्मी में जब हम उधर रहते थे ना, हमारे घर में मट्टी वाला होता था, हाँ गर्मियों में बनाती हैं, आती पंखा हैं, चलता था और बांस जो है ना पंखे में भी लगी, उसके सर पे लग गया, लगा ख्याल करो हम। तो ये ना बेचारी फिर मर जाती थी ना पंखे में हाँ लग के। नहीं, हम अंदर आती थी ना जब हमारे घर में, तो हम पंखा नहीं चलाते थे उस वक्त, इसको पहले हम बाहर भगाते थे फिर हम पंखा चलाते थे। हाँ लेकिन आप गलत करती थी कि इसको हमें अंदर पता बिठा नहीं, के। हम बच्चे होते थे तो अम्मी जो है वो काम पे लगी होती थी, हम बैठे होते थे तो पता नहीं चला, वो फिर मर जाती थी हाँ बेचारी। हमारे पास एक बार लगी थी बस, मैंने देखा था एक बार लगी थी पंखे में, वो भी डायरेक्ट उड़ती हुई ना रोशनदान से था पंखे में आ गई थी, फिर वो उसके सर में लगा था, फिर वो बेहोश हो गई थी, फिर उसको पानी वगैरह पिलाया था, फिर उड़ गई थी। सुबह से इतना तेज हवा चली हुई है कि मैडम साहबा ने जो है सफाई ही नहीं की, क्योंकि आगे झाड़ू लगाती थी सारा कचरा फिर पीछे चला जाता था, इसलिए ना इसने सफाई नहीं की, ताकि हवा जब खड़ी रुक जाएगी ना फिर जो है ना ये इसने कहा मैं सफाई करूंगी। तो यहाँ पे देखें जी, मेरे जो दाढ़ी है ना, दाढ़ी के बाल भी सफेद होते जा रहे हैं, काफी मेरे बाल सफेद हो गए हैं दाढ़ी के, इधर से भी देख सकते हैं आप, और इधर से भी देख सकते हैं, इधर से और इधर भी ना काफी सारे हो गए हैं सफेद। मैंने समीना को कहा, मैंने कहा समीना मेरे ना दाढ़ी के बाल सफेद हो जा रहे हैं, कहती है खुश हो रही है, कहती है कि हाँ सफेद हो रहे हैं तो अच्छी बात है, इसके काम चेक करें। शोहर जो है वो बूढ़ा होता जा रहा है, ये खुश हो रही है कि चलो शहर के बाल सफेद हो रहे हैं दाढ़ी के। क्यों मैं वैसे खुश हो रही थी, कहते खुश हो रही थी? हैं अच्छी होते पत्तों बदवा भी है। नहीं हाँ पता नहीं क्या कहते हैं, वक्त होता है वक्त, क्या मतलब वक्त, दाढ़ी के बाल सफेद होना वक्त लगता है? वक्त लग रहा है काम देखें जी, बंदा बूढ़ा होता जा रहा है, वक्त लगता जा रहा है दुआ करो कि अल्लाह पाक करे करे कि बूढ़ा ना हो जाए बंदा इसको वक्त की खुशी है, वक्त तो लग रहा है सफेद बाल हो रहे हैं उसको वो टेंशन नहीं है कि सफेद बाल हो रहे हैं वक्त लग रहा है इसको वो खुशी है चलें ये खुश रहे और क्या, ये आप खुश हो मैं सारे बाल कलर कर दूंगा, पेंट सफेद पेंट कर दूंगा, हाँ ठीक है फिर? ठीक है हाँ चलें आप तो खुश हो जाए ना यहाँ पे मौसम देखें वीआईपी है माशाल्लाह, अभी आपको बाहर भी चल के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चेक करें जी माशाल्लाह, ये घर जो है वो प्लस्तर हो रहा है, इसको पानी वगैरह लगा रहे हैं, तराइयां कर रहे हैं इसकी, एक कमरा बनवाया इन्होंने बस, ये सारी चार दीवार, ये मेरे ख्याल में इस जगह पे बाथरूम बनाएंगे जहाँ पे सुराख गला है, सुराख है इसका। ये आई हुई है अपना घोंसला बनाने के लिए, और हमारी जो झाड़ू है ना वो झाड़ू तोड़ तोड़ के लेके जा रही है ये इसके ये हालात हैं। हमने जो है वो 3 राशन हमारे पास बचे हुए थे, हमारी अम्मी जान है यूके से, उनकी तरफ से 3 राशन हमारे पास बचे हुए थे, तो वो जो है ना हमने अभी देने हैं, 3 है ना। हाँ तो अभी एक जो है मैंने उधर रख दिया है बाहर मोटरसाइकिल के ऊपर, और 2 अभी एक थैले के अंदर डाल के ना हम लेके जा रहे हैं। भाई शहबाज को भी मैंने बुलाया है, मैंने कहा आप चलो पीछे पकड़ के बैठना, तो ये जो है ना थैला बड़ा, इसके अंदर हमने जो है ना वो डाल दिए हैं 2 राशन, ये देखें जी इसके अंदर ना 2 राशन डाले हैं, मतलब यहाँ तक जो है एक है, फिर नीचे जो है ना वो एक है। तो हमारी अम्मी जान जो है ना यूके से, उनकी तरफ से ये 3 राशन थे, तो ये जा रहे हैं थोड़ा सा हमारे घर से दूर, तो हम जो है ना उधर जब दें उधर मतलब जब पहुँचेंगे ना तो वहाँ की हम वीडियो नहीं बना सकेंगे। तो एक तो समीना का, समीना आपकी क्या कोई रिश्तेदार है वो, आपकी मामी है कौन है, आंटी है, आंटी है जो कि बेवा है, तो उनको जो है ना हमने देना है। इसी तरह ही एक दो फैमिलियाँ और हैं, समीना की सिस्टर भी है, वो भी बेवा थी, अभी उन्होंने शादी कर ली है शुक्र अल्लाह का, वो शादी इसलिए की है निकाह किया है अपने देवर से कौसर ने,
कि क्योंकि आपको पता है भाई जलील का पहले इंतकाल हो गया था, तो अल्लाह को प्यारे हो गए थे वो। उसके बाद फिर जो बच्चे थे ना वो अपने दादा दादी से दूर नहीं होते थे, तो फिर हम सब ने जो है डिसाइड किया, समीना के भाइयों ने, समीना के अबू ने और उनके बड़ों ने, कि क्यों ना हम देवर से जो है इसका निकाह कर दें, क्योंकि ये आपको पता है इस तरह हो सकता है। तो फिर इन्होंने जो है ना पूछा मौलाना साहब से जो निकाह खां होते हैं उनसे और बड़े आलिम दीन से, उन्होंने कहा कि हो सकता है, मुमकिन है, ये आप कर सकते हैं। तो फिर बच्चों को देखते हुए जो है ना इन्होंने जो है देवर से उनका कौसर का निकाह कर दिया। कल मेरे ख्याल में हुआ है, कल हुआ समीना? हाँ, तो कल हुआ था निकाह। कल हमने वीडियो भी लगाई थी लेकिन वीडियो में कहा नहीं था, हमें बाद में पता चला जब हमारी वीडियो मुकम्मल हो चुकी थी। तो हमें खुशी है कि चले बच्चे जो है वो अब दर बदर नहीं होंगे। अगर हो सकता था किसी और जगह पे करते तो हो सकता था कि वो जो मर्द होता वो ना जानता अच्छा बच्चों को, तो ये चाचू होंगे बच्चे होंगे तो वो अच्छा जानेंगे और उनको प्यार भी देंगे बच्चों को। जो बाप जितना प्यार देता है वो उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी एहसास होगा उनको कि हमारा खून है ये, तो वो उनकी केयर करेंगे, है ना। हाँ, तो इसलिए ये सोच के समीना के बहन भाइयों ने सब ने जो है ना फिर ऐसे किया कि निकाह कर दें उसका। हाँ, तो कल मेरे ख्याल परसों तो ईद के बाद था, लेकिन वो फिर बच्चे की छोटे बच्चे, हाँ, मोहम्मद हसन की तबीयत काफी खराब हो गई थी, फिर उन्होंने मजबूरन जो है जल्दी कर दिया। ईद के दो दिन बाद उन्होंने कहा था कि करेंगे। फिर वो भाई के घर थी, वो उसका बेटा जो था वो उधर रह नहीं रहा था, इधर भी नहीं रह रहा था, फिर इसके भाई के घर गई कौसर, उधर भी नहीं रह रहा था, बीमार हो गया था काफी, तो कभी कौसर इधर भागती कभी उधर भागती। तो इसलिए ना फिर इन्होंने इसके भाई ने कहा कि चले कोई बात नहीं, करना तो बाद में भी करना पहले भी करना, तो हफ्ता दो हफ्ते पहले जो है ना वो कर देते हैं, कोई बात नहीं, चलो इधर उधर भागने से भी बच जाएगी और फिर बच्चों की केयर भी करेंगे उनके चाचू और जो इसके दादा दादी होंगे वो। तो फिर अल्लाह को जैसे मंजूर होता है वैसे ही होता है, तो फिर उन्होंने जो है निकाह कर दिया उनका। तो एक जो है राशन हम उनको भी देंगे, हमने उनसे पूछा था अम्मी जान से, उन्होंने कहा था कि कोई इशू नहीं आप दे सकते हैं, तो उधर भी देंगे। तो एक फैमिली और भी है उनको भी हम देंगे, तो ये हम जो है बस पे रखवाएंगे। तो समीना के जो कज़न है ना, कौन से आंटी है आपकी ना, आंटी को, आंटी के आंटी का जो है ना बेटा, उसको हमने कह दिया कि आप आना और ये तीनों ले जाना और फिर उधर जो है ना वो आपने दे देना है। तो उनको कहेंगे कि आप वीडियो वगैरह में सेंड कर दें जब आपके पास पहुँचे, तो फिर हम जो है ना उनको सेंड कर देंगे अम्मी जान को, ठीक है। हाँ, तो फिर अभी जाएं, फिर चल, आपने चलना है ना, आपने भी चलना है ना। हाँ, तो बस पे कपड़े लेने हैं ना हमने। हाँ, बस पे रखवाएंगे, उसके बाद फिर हम असम के कपड़े लेने हैं और जो हमारे घर में अम्मा आती है उसके भी कपड़े लेने हैं। तो ये भाई शहजाद जो है ना हमारे, उन्होंने कहा था कि आप जो है ना कपड़े वगैरह लीजिएगा, अपने भी लीजिएगा कुछ, और अम्मा जान के, अरहम के और कौसर के भी उन्होंने कहा था कि आपने कपड़े ले लेके उनको देने हैं। तो उनके कपड़े अभी ले लेंगे और फिर जब जाएंगे तो फिर उनको दे देंगे, ठीक है। हाँ, अभी ना हम पूरा शहर घूम चुके हैं लियाकतपुर का, तो यहाँ पे ये हमने सामान वगैरह कुछ लिया है, ये आपको घर में चल के दिखाएंगे क्या क्या सामान है इसमें। ये जो है जूते हैं अरहम के और समीना के, और ये तौलिया वगैरह है, और इधर जो है कपड़े हैं हमारे, और इधर जो है ना हम ले रहे हैं कटोरियाँ जस की, अक्सर जो इस्तेमाल होती हैं ये वाली। चार काफ़ी हैं आपको बता, मुझे क्या पता। हाँ, हम दो बंदे हैं, चार कटोरियां नहीं है। चलो कहीं मेरे को मेहमान भी आना है। हाँ, वही तो बात है ना, मेहमानों के लिए भी वैसे भी अपन शिले मिले नहीं, शौक था मैं जस की लेने का। चलो, वैसे हमारे पास मट्टी की है, नहीं ऐसा नहीं जाना, मैं उसका पास शौक है। हाँ, ये कह रहे हैं मैं मामू के पास जाता हूँ, इसको बिठाऊं फिर। ये साथ है मामू बैठा हुआ है, जाओ मुझे दो। वो बाइक ये देख जी ली है, देख जी तो पहले ली थी हमने, अब दोबारा क्यों ली? बड़ी बड़ी ली है सालम के लिए ना, सालम की खराब हो चुकी है। अच्छा, चलिए ये चार कटोरियां हैं हमारे पास, और ये देख जी है, हमारे पास देखचियाँ पुरानी थी इस्तेमाल वाली, हमने एक और ले लिया देख जी घर में इस्तेमाल के लिए, और ये साबुन दानियाँ ली हैं, बंदा लगा देता है दीवार के ऊपर, एक अंदर एक उसके ऊपर जो हमारा सिंक है। हाँ, वो सारी टूट फूट गई है, ये स्टील की खराब नहीं होती। हाँ, ठीक नहीं है, बस ठीक है। हाँ, वो टोकरी पड़ी है, वो देखो वीआईपी, ये नहीं लेनी,
टोकरी नहीं, वो आप डब्बा देख लो जो उनको फिर वापस करें। किसको? चाची वाले। मैं कह रही हूँ उनको वापस करें, अपना ले लो ना। हाँ केन केन, सॉरी पानी वाली केन। हाँ तो ये इधर पड़ी हुई है पानी वाली केने भी बड़ी बड़ी, लेकिन फुल बड़ी तो नहीं है ना इनके पास। पानी वाली केन बड़ी नहीं है अंकल जी? कितने लीटर की? कोई 40 लीटर वाली तो हो, 40-35-40 लीटर। 40 लीटर ये हमारे पास इस तरह पड़ी है ना, वो बस 40 लीटर की इनके पास भी मिलेगी। वो जो सेल वाले हैं? अच्छा चले उनसे पता करते हैं। ढक्कन भी, हाँ इसका तो ढक्कन भी अक्सर इस्तेमाल होता है, तो वो ये समझदार है। गिलास लेने हैं शीशे के तो ठीक है, वरना फिर नहीं तो नहीं लेने। फिर मैं लूंगा तो फिर कहोगे कि ये ना लो, बस ये है फलान है। हाँ नहीं मैंने नहीं लेने। और वैसे भी जो हम मैं मेरा कहाँ माना जाता है, एक वो दीवार गिर खड़ी हुई है VIP ऊँटों वाली दीवार गिर, ऊँटों वाली दीवार गिर खड़ी हुई है, उसके बाद चमचे वगैरह बंदा खड़े कर देता है। चलें जी, ये सामान जो है हमने ले लिया है, ये फिर हमने एक लिया है, पहले मैं दो ले रहा था, अभी ये 3-4-5 कटोरियाँ हैं, देगची है, और वो भी इसने ली है। अभी चलते हैं, चलें घर, चलें जी। दो का टाइम हो चुका है हमें यहाँ पे, काफ़ी टाइम हो गया है, अभी वापस चलेंगे। भाई शबाल भी हमारे साथ है, तो ये चेक करें, पूरे दो हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम पहुँच चुके हैं जी घर वापस। तो अभी यहाँ बाइक भी आकर खड़ी की है। ये आपने तो ले लिया था फिर पिन्ने? क्या ये? हाँ 30 रुपए की थी। नहीं वैसे मैंने कहा कौन सा मैं पहनती हूँ। नहीं जब दुपट्टा बंदा पहनता है ना, अगर बार बार दुपट्टा उतर जाए तो फिर पिन लगा लेता है बंदा, फिक्स कर लेता है। आपको पता है हम ना अक्सर वीडियो बनाते हैं तो फिर दुपट्टा फिक्स करना लाजमी होता है, बंदा ईजी होकर काम करता रहे, दुपट्टे को संभालना भूल जाए पिन्ने लगा कर। और हम क्या अभी शॉपिंग दिखाते हैं, अपनी मर्जी के लेके आया ये। हाँ ये जो थे बहुत पसंद है मुझे, बहुत अच्छे हैं ऐसे ना। वो फिर कह रही हो वो अपनी मर्जी के लिए गया, फिर कहती हूँ मुझे पसंद है बहुत ज्यादा। हाँ ये मुझे भी पसंद है, उसे भी पसंद है। हाँ लेकिन ये, हाँ ये नरम है, ये अगर हार्ड हो ना फिर जल्दी टूट जाता है, ये नरम हो ना फिर सही होता है। ये हम इसको ना ईद पे पहनाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। इसके अलावा ये हमने इलास्टिक वगैरह हमको कपड़े के, ये कंघी है, ये कैचर वगैरह लिए हमने। हाँ इसको निकाल के देखो सही है, और ये इसने कैचरियाँ वगैरह ली हैं बालों के लिए, और ये पिनों का सेट है, ये देखें ये पिने। मैंने कहा ये ले लो ये अच्छी होती हैं, ये बंदा जो है ना वो लगा के वीडियो बनाता रहता है, इजी होता है। बारी कपड़ों की मैं छांव में खड़ी हूँ, अभी आ रहा है ना। ये जी हमने अहमद के कपड़ों पसंद के लिए हैं कपड़े। हाँ ये ट्राउजर इसका खुला है, ये मैंने कहा मैं पैंट शर्ट लेता हूँ, फिर ये कि इसने कहा कि नहीं 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 ये आप कौन सा पहनते हो, ये कपड़े। फिर मैंने कहा ठीक है मैं ईद पे कपड़े नहीं पहनूंगा। ये देखें जी अहमद ने मुझे लेके दिए हैं अपनी पसंद, शोहर में फिर भी वफा होती है। लेकिन ये हमारे भाई हैं शहजाद, तो उनकी तरफ से हमारे लिए ये गिफ्ट है ईद। हाँ जी उन्होंने कहा था कि आपने शॉपिंग करनी है अच्छी करके। और इसके अलावा जी हमारे शूज, ये मैंने मैचिंग लिए, ये देखो। हाँ जी ये शूज मैंने फर्स्ट टाइम ना इस तरीके का लिया, इस तरह का ना फर्स्ट टाइम लिया है। हाँ जी। और इसके अलावा ये तौलिया हमने इसके अंदर ही रख दिए हैं, थोड़ी सी मैंने रखे हैं, दो दो शापर थे ना मैंने फिर इकट्ठे कर दिए। हाँ जी। और ये तौलिया हमारे और ये इकरा और हसन की शॉपिंग, ये इकरा के कपड़े हैं जो मेरी भांजी है ना इकरा, उसके हमने कहा है कि चलें अहम के लिए हम ले रहे हैं, तो वो भी बच्चे हैं चलो उनके लिए भी ले लेते हैं। और वैसे भी ईद बच्चों की होती है, बड़ों की ईद कहाँ होती है, तो ये हमने लिए। हाँ भाई शहबाज को भी हमने कपड़ों का सूट दिया था, अबू को भी कपड़ों का सूट दिया था, और भाई नियाज रहता है अभी उसको हमने देना है, और अम्मी को भी दिया था, मेरी बड़ी बहन को भी दिया था, और कौसर को भी दिया था मैंने लेके, और इसकी बड़ी भाभी को भी दिया है, और उसके बाद इसकी दो और भाभी हैं उनको भी दिया है, इसकी अब्बू को भी पहले हमने 3 सूट भिजवाए थे जो कि अंकल महमूद ने दिए थे ना, उनमें से दिए थे उनको, भाई अकरम को भी दिए थे,
और उसके बाद भाई अख्तर को भी दिए थे, और अभी सिर्फ मेरा छोटा भाई नियाज रहता है, इंशाल्लाह उसकी शॉपिंग फिर करेंगे हम इंशाल्लाह। हाँ। एक सूट उसको भी लेके देंगे। चलें ये दिखा दो आप, मैं ये खोल के खरीदूंगी। हाँ जी माशाल्लाह जी, ये देखें ये सूट जो है ना इकरा का है। हाँ जी ये बहुत अच्छा लगेगा उसको। तो मैंने कहा कि वो ले जो हम ना गर्मियों में ये पहन सकें, गर्मी होगी ना एक बार। हाँ और ये है जी, ये है अरहम का, ये अपनी मर्जी का लेके आया, मैं इस तरीके का लूंगा। ये बड़ा खुश हो गया इसको देख के। कैसे कर रहा था? हाँ ये थ्री पीस है, तो ऊपर वाला जो वास्केट है ना बेशक उसको उतार दें। हाँ ठीक है ना, फिर ये टू पीस बन जाएगा। हाँ। अगर सर्दियाँ हो तो फिर आप थ्री पीस पहना सकते हैं, अगर गर्मियाँ हैं तो फिर आप टू पीस पहना सकते हैं। ये पैंट है जी इसकी, इसके अलावा जी हमने लिए बर्तन तो दिखाए थे हमने, बर्तन बस ना दिखाऊं। हाँ बर्तन दिखाए थे हमने, ये बस हमने वैसे लिए हैं कि चलें जब गेस्ट वगैरह ज्यादा आ जाते हैं तो बंदा ये कर लेता है। और ये हमने लिए है वो बस साबुन वाला। हाँ। ये कटोरियां मेरी बहुत जरूरत की चीज है, क्योंकि स्टील वाली कटोरियां जो निकल जाती हैं, तो इससे बंदा साबुन वगैरह गर्म कर लेता है, ये साफ भी हो जाती है। हाँ सही बात है। और अभी हसन के कपड़े दिखाओ। हसन के मतलब ये है, ये हसन के जो है ना हमने लिए हैं, वो जो रेडीमेड होते हैं ना, वो हमने सब के रेडीमेड लिए हैं। हाँ ये ना गर्मियों में भी मैं अरहम के इस तरीके के लेने लगी थी, लेकिन वो जिद कर गया कि नहीं मैंने ऐसे लेने हैं, हालांकि गर्मियों के ना अच्छे हैं गर्मियों के लिए ना। हाँ जी ये देखिए जी, और ये हसन का माशाल्लाह जी VIP। हसन को पहले भी हमने दिए थे, अंकल महमूद ने भिजवाए थे, तो उनमें से है ना हमने दिए थे, उसके उसमें से ना उसके दो सूट बन गए थे। हाँ हाँ, तो वो उसके भी वो भी हैं, और उसके अम्मी अबू ने भी उसके लिए लिया है। हाँ तो चलें जी, हमारी शॉपिंग आपने देखी, तो अभी इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं जी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।